बुधराम मुंडा जी, फ्रीडम फाइटर जनाब अमावत अली जी, अनिल जयहिंद जी, दयामणि बारला जी, थियोडोर किडो जी, फादर नबोर लाखरा जी, आरपी रंजन जी, अर्जुन राम भुइयां जी, शंभु पासवान जी, अली अनवर अंसारी जी, सरिता कुमार कुमारी प्रजापति जी, छोटे लाल महतो जी, राजेश गुप्ता जी, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? मैं देख रहा था वहाँ पे पोस्टर पे लिखा है संविधान सम्मान सम्मेलन, मगर सच्चाई ये है, सम्मान सम्मेलन तो है, मगर आज संविधान की रक्षा की जरूरत है। सिर्फ सम्मान से बात नहीं बनेगी, हम सम्मान करें और उसकी रक्षा ना करें तो सम्मान करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इस पर आक्रमण हो रहा है। जबरदस्त आक्रमण हो रहा है चारों तरफ से, आक्रमण हो रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति मोदी जी, अमित शाह जी, सिर्फ एक दो व्यक्ति आक्रमण नहीं कर रहे हैं, अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग शक्तियां इस पर आक्रमण कर रही हैं। कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई साइड से, कोई ऊपर से, और इनका लक्ष्य है कि संविधान किसी ना किसी तरीके से या खत्म हो जाए या फिर खोखला बना दिया जाए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये आप अपने हाथ में पकड़े हैं, उठाइए इसको जरा, ये कब बना, ये कब बना? उन्नीस सौ पचास? हाँ, किस साल बनाइए, एक व्यक्ति बोलिए, एक व्यक्ति बोलिए, आप बोलिए। 1949, कोई कह रहा है 1950, कोई कह रहा है 1949, कोई कह रहा है 1947। ठीक है, तो मैं आपसे अब दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर बिरसा मुंडा जी नहीं होते तो ये बनता? अगर नारायण गुरु जी नहीं होते तो ये बनता? अगर बसवाना जी नहीं होते तो ये बनता? अंबेडकर जी नहीं होते तो ये बनता? बुद्ध भगवान नहीं होते तो ये बनता? गुरु नानक नहीं होते तो ये बनता? तो ये कितना पुराना है? 70 साल पुराना है, मगर ये 50 साल पुराना नहीं है, ये 70 साल पुराना नहीं है। ये इसके पीछे जो सोच है वो हजारों साल पुरानी सोच है। और सबसे पहले ये गुरु नानक जी, बिरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, बसवना, नारायण गुरु, बुद्ध भगवान, उनकी सोच ने बनाया है। और ये जो लड़ाई चल रही है ये 50-70 साल पुरानी लड़ाई नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है। तो अगर ये
कॉन्स्टिट्यूशन बिरसा मुंडा जी की सोच का है, गुरु नानक, महावीर, बुद्ध भगवान महावीर जी, अगर ये इनकी सोच का है तो इसके विरोध में कौन सी किताब है? मनुस्मृति। ये जो लड़ाई चल रही है, और आपको ये गहराई से समझना होगा, ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के बीच में लड़ाई चल रही है। और ये नई लड़ाई नहीं है, ये हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। अंबेडकर जी ने कहा एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। कहा तो जब वो कह रहे हैं एजुकेट, एजुकेट का मतलब क्या? हाँ, किस चीज के बारे में? सिर्फ अपने संविधान को जानो, अपने हक को जानो, और मान लीजिए अगर एक युवा आज फिजिक्स बहुत अच्छी तरह समझ जाए, क्या अंबेडकर जी उसे एजुकेटेड कहते? क्यों नहीं? हाँ, अंबेडकर जी का मतलब यह था, एजुकेट का मतलब यह है कि आप कौन हो, आप कहां खड़े हो, आपके चारों ओर क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, एजुकेट का यह मतलब है। एजुकेट का मतलब यह नहीं कि आप कॉलेज में चले गए, आपने फिजिक्स की डिग्री ले ली, आपको अपना इतिहास नहीं मालूम, आपको अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम, आपको अपनी समाज में जगह नहीं मालूम, तब आप एजुकेटेड नहीं हो। अब आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि देखिए, आदिवासी का मतलब क्या? आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। वनवासी का क्या मतलब है? जो जंगल में रहते हैं। देखिए फर्क, देखिए, मान लीजिए यहां पे आप लोग बैठे हो और ऑडिटोरियम में आप सबसे पहले आए, ऑडिटोरियम आपने बनाया, ऑडिटोरियम की जमीन आपकी, और मैंने आपसे कहा भैया आप वनवासी हो, इसका क्या मतलब है? जंगल में जाओ, ऑडिटोरियम तुम्हारा नहीं है, इसका यह मतलब है। तो जब यह शब्द का प्रयोग करते हैं, आदिवासी वनवासी, यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपकी पूरी हिस्ट्री है। मैं हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हूं, स्कूलिंग मेरी पूरी हिंदुस्तान में हुई, पूरा का पूरा जोड़ दीजिए तो आदिवासियों के बारे में आधा चैप्टर मिलेगा।
10-15 लाइन मिलेंगी कि हाँ हिंदुस्तान में आदिवासी भी हैं, मगर इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके जीने का तरीका क्या है, इनके सोचने का तरीका क्या है, इनकी साइंस क्या है, इनकी पॉलिटिक्स क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं। मैं हिंदुस्तान के सिस्टम में, स्कूलिंग मेरी यहां हुई, दलितों के बारे में एक लाइन, हां भाई अनटचेबिलिटी होती थी, मगर उनका दर्द, उन पर जो अत्याचार हुए, उनका जो अपमान हुआ, उनका जो इमेजिनेशन था, उनकी जो सोच थी, उनकी जो साइंस थी, उनकी जो फिलॉसफी थी, उसके बारे में कितना था, एक लाइन। आपने ओबीसी शब्द प्रयोग किया, अदर बैकवर्ड कास्ट, क्या यह आपका नाम है? ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट मतलब हां वो दूसरे पिछड़े लोग, किसने कहा कि आप पिछड़े हो, किस बेसिस पे कहा? आप इस देश को चलाते हो, आपका खून पसीना से ये देश चलता है, आपका जो हक है वो आपको मिलता नहीं है, आपकी हिस्ट्री कहां है? जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जो किसान मजदूर, बढ़ई, नाई, मोची, इनकी हिस्ट्री कहां है, कहां लिखा है? फाड़ दिया गया, जैसे कि हिंदुस्तान के 90% लोग, 90% लोग हैं ही नहीं। मतलब आप छुपे हुए हो। हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट्स में देखिए आप, 250 कॉर्पोरेट्स की मैंने लिस्ट निकाली, कहां मैं देखता हूं भाई 90% आबादी में से यहां कितने हैं? 250 सबसे बड़ी कॉर्पोरेट्स में, मालिकों में, सीईओज में, सीनियर मैनेजमेंट में, आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। करेक्ट, मैं यहां झूठ बोलने थोड़ी आया हूं। हलवा बांट रहे हैं वही, हलवा खा रहे हैं वही। अब उसमें एक और बात है, उसमें बेचारे गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं, 5-7%, उनको भी हलवा नहीं मिल रहा। आप ब्यूरोक्रेसी में देखिए, बहुत अच्छा लगा आपने 90 में से 3 की बात की, 90 में से 3 ओबीसी, 3 दलित, 1 आदिवासी। दलित की आबादी 15%, आदिवासियों की आबादी 8%, ओबीसी की आबादी कोई जानता नहीं है, कोई नहीं जानता। हम कह सकते हैं कि तकरीबन 50%। क्योंकि आपकी संख्या छुपानी है, बड़ा खतरनाक काम है। अगर ओबीसी को अपनी सच्ची संख्या पता लग गई, नब्बे में से 3, 50% आबादी, 90 में से 3, और अगर हिंदुस्तान की सरकार में 100 रुपए खर्च होते हैं तो 50% को 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेने का मौका मिलता है। 3 अफसर उनको पीछे बैठा रखा है। आपको कोई ओबीसी, दलित, आदिवासी फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं मिलेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री में, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा, पीछे बैठा हुआ है।
₹100 में से ₹5 का निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं, ₹100 में से ₹1 का निर्णय दलित अफसर लेते हैं, और ₹100 में से 10 पैसे का निर्णय आदिवासी अफसर लेते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार ₹100 खर्च करती है तो 90% के लोग ₹6.10 का निर्णय लेते हैं। बॉलीवुड की बात करिए, बॉलीवुड में आपको दलित आदिवासी ओबीसी नहीं दिखेगा। नाच गाना चल रहा है, गाने बज रहे हैं, डांस हो रहा है, मगर 90% का कोई वहां नाच नहीं रहा। सच्चाई है ये। राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग की हैं, पहली बार राष्ट्रपति जी को आदिवासी वर्ग से बनाया गया, मगर जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। और उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हैं। राम मंदिर धूमधाम से राम मंदिर का उद्घाटन होता है, राष्ट्रपति जी से कहा जाता है आप आदिवासी आइए मत। अंबानी को बुलाया जाता है, अदानी को बुलाया जाता है, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी से कहा जाता है आप नहीं आएंगे, आपकी जगह नहीं है। अगर यह संविधान पर आक्रमण नहीं है कि राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन नहीं कर सकती तो क्या है? कहा गया था संविधान में, कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक वोट का हक मिलेगा, इसमें लिखा है, और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति एक जैसा है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सबको वही हक मिलना चाहिए, कहा गया है। आप हिंदुस्तान की कोई भी संस्था देख लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को चलाती है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कौन सी संस्था करती है बताइए? मीडिया करती है इसका? मीडिया को करना चाहिए, करती है? नहीं। इलेक्शन कमीशन इसकी रक्षा करता है? नहीं करता है। जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसकी रक्षा करते हैं? नहीं। ब्यूरोक्रेसी के लोग इसकी रक्षा करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी संस्थाओं को बीजेपी ने कंट्रोल कर दिया है। पूरा देश जानता है कि मीडिया में 90% का कोई नहीं है। पत्रकारों को देखिए, एडिटर्स को देखिए, मालिकों को देखिए, मुझे बता दीजिए कौन सा अखबार है हिंदुस्तान में जिसको दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग चला रहे हैं, मुझे बता दीजिए, मान जाऊं मैं, एक नहीं है। तो आपकी आवाज कहां है? कैसे निकल सकती है आपकी आवाज? आपकी आवाज आपके दिल में है। मगर हिंदुस्तान की संस्थाओं में नहीं है। इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री, मीडिया, जुडिशरी, कहां है आपकी आवाज? और फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं पिछड़ों का सम्मान करूंगा, दलितों का सम्मान करूंगा, आदिवासियों का सम्मान करूंगा,
और फिर आपके हाथ से आपकी शक्ति छीन लेते हैं। सम्मान आपको देते हैं और पावर आपसे छीनते हैं। सम्मान आपको देते हैं और आपको हिंदुस्तान की संस्थाओं से बाहर निकाल देते हैं। सम्मान आपको देते हैं और फिर इसको खोखला करने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चुनाव में हमने सिर्फ एक काम किया, हमने ये दिखाना शुरू कर दिया। बहुत गहरी बात है ये, हमने सिर्फ ये दिखा के कहा कि भैया हम इसकी रक्षा करेंगे, आप इसको छुओ फिर देखो क्या होता है। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद ये किया, देश ने बता दिया कि आप जो कर रहे हो, जो आक्रमण आप बिरसा मुंडा जी की सोच पर कर रहे हो, गुरु नानक जी की सोच पर कर रहे हो, नारायण गुरु जी की सोच पर कर रहे हो, बसवना की सोच पर कर रहे हो, बुद्ध भगवान, फूले जी, इन सब की सोच पर जो आक्रमण कर रहे हो वो हम आपको करने नहीं देंगे। मगर उनके पास सब कुछ है, सच्चाई है, धन उनके पास, संस्थाएं उनके पास, मीडिया उनके पास, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब आप कहोगे भाई अगर सब कुछ उनके पास तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सच्चाई है और हमें कुछ और नहीं चाहिए। आप ले लो, आप संस्थाएं ले लो, सब कुछ ले लो, धन ले लो, संस्थाएं ले लो, जब तक हमारे पास सच होगा सारा का सारा न्याय हमें मिलेगा। और यही इस चुनाव ने दिखाया है। हमारे पास मीडिया नहीं, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए, बिना पैसे के कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ी है। आप सोचिए, हिंदुस्तान को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट बंद कर दिए, तब भी हम लड़े, सच्चाई के साथ लड़े, संविधान के साथ लड़े। और आजकल मोदी जी मुस्कुराते नहीं है, बंद हो गया, परमानेंटली बंद हो गया, भूल गए। तो अब मैंने आपसे यह कहा कि भाई लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, दो विचारधाराओं के बीच युद्ध हो रहा है, अब यह भी बताना पड़ेगा रास्ता क्या है। देखिए, मैंने संस्थाओं की बात की, थोड़ा सा मैं आपको दो तीन आंकड़े देना चाहता हूं। जीएसटी इस देश में कौन देता है? कौन देता है? 90% देता है दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब, जनरल कास्ट के लोग देते हैं। ये आपने शर्ट कितने की खरीदी? ये आपने, हां आपने, ये कितने की खरीदी? 1,500 रुपए की। इस पे आपने जीएसटी कितनी दी? 18%। अगर यही अच्छा, अगर यही शर्ट अदानी या अंबानी खरीदें तो जितना टैक्स आपने दिया उतना टैक्स वो देते हैं। जीएसटी गरीब जनता से लिया जाता है, पिछड़ों से लिया जाता है, दलितों से लिया जाता है, आदिवासियों से लिया जाता है। अगर 100 रुपए आज हिंदुस्तान में, अगर 100 रुपए टैक्स में लिए जाते हैं, 40 रुपए
आम आदमी की जेब से निकलते हैं, 26 रुपए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों से आते हैं। सबसे गरीब लोग, 50% सबसे गरीब लोग 60% से ज्यादा जीएसटी देते हैं। सबसे अमीर 10% लोग जीएसटी का 3% देते हैं। सबसे अमीर लोग 3% और सबसे गरीब लोग 2/3। सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। ये जो आपको दिखते हैं 25-30 अरबपति, इनके पास हिंदुस्तान का 40% धन है। और जो सबसे गरीब 50% लोग हैं, इनके पास 3% हिंदुस्तान का धन है। सबसे गरीब 50% के पास 3% धन और 1% के पास 40% धन। और अगर आप सबसे गरीब 50% को की आमदनी जोड़ दें तो उनकी पूरी आमदनी आप मिलाएंगे तो 13% बनती है। तो ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण नहीं हो रहा है, ये आपसे चोरी हो रही है। अब रास्ता क्या है? सबसे पहले हमने कहा है कि ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है आरक्षण में, इसको हम, इस दीवार को हम तोड़ देंगे, हटा देंगे। और दूसरी बात, हम सच्चाई समझना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं कि इस देश में धन किसके हाथ में है, जमीन किसके हाथ में है, संस्थाएं किसके हाथ में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी किसके हाथ में है। सिर्फ हम पता लगाना चाहते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उसके बाद होगा क्या। जैसे किसी को चोट लगती है, आपको कभी चोट लगी है? हाथ टूटा, आप गए, आपने कहा डॉक्टर से, कहा कि भैया एक्सरे करा दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि हाँ भैया एक्सरे कराते हैं, फिर पता लगता है भैया हाथ कैसे टूटा है। अब पूरा देश जानता है कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को दर्द हो रहा है, सबको मालूम है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जॉब नहीं मिलता, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है, पब्लिक सेक्टर खत्म होता जा रहा है, चोट लग रही है। अब हम सिर्फ ये कह रहे हैं भैया चोट लग रही है, एक्सरे करा दो, पता लगाओ चोट क्यों लग रही है, कारण क्या है। सामाजिक एक्सरे का माध्यम जाति जनगणना है। जाति जनगणना है, जनगणना में हम 2-3 चीजें पता लगाना चाहते हैं। सबसे पहले, किस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 10% हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, कितने हैं? दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने हैं? पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान की संस्थाओं में किसकी कितनी हिस्सेदारी है? लीगल सिस्टम में किसकी हिस्सेदारी है? जुडिशरी में किसकी हिस्सेदारी है? ब्यूरोक्रेसी में किसकी हिस्सेदारी है? कॉर्पोरेट इंडिया में किसकी हिस्सेदारी है? हमारे संस्थाओं में किसका कंट्रोल है? मीडिया में कितने लोग हैं 90% से?
कॉर्पोरेट इंडिया में कितने लोग हैं, बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस में कितने लोग हैं, हिंदुस्तान में जो सेक्रेटरी लेवल के अफसर है उसमें कितने लोग हैं, हम एक्सरे करना चाहते हैं। अब अगर आप अस्पताल जाते और आप डॉक्टर से कहते भैया मेरा हाथ टूटा हुआ है, लग रहा है हाथ टूटा हुआ है, हिला नहीं पा रहा हूं, एक्सरे करवा दीजिए, और डॉक्टर आपसे कहता नहीं एक्सरे नहीं कराऊंगा, तो आप क्या करते? अब जब हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया एक्सरे कराइए, मोदी जी कहते हैं हम नहीं कराएंगे। कैसे नहीं कराओगे? अगर आप नहीं कराओगे हम कराएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख के ले लो, जाति जनगणना को और ये जो 50% का बैरियर है ना, इसको अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। जो करना है कर लो, जो करना है कर लो आज नहीं तो कल, जो करना है कर लो आज नहीं तो कल। जाति जनगणना, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, 50% की जो दीवार है, ये कार्रवाई होगी ही होगी। मैं बता रहा हूं, मैं 20 साल के बाद राजनीति को समझता हूं, जो ये 90% को छुपाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, इनकी हिस्ट्री को खत्म किया जा रहा है, 90% में बहुत शक्ति है। आपके पास मीडिया नहीं है, मीडिया नहीं है आपके पास, आपके पास जुडिशरी नहीं है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है, मगर सच्चाई आपके साथ है। और यह काम मिलकर होगा, यह बटने से काम नहीं होने वाला है। एक आवाज से मिलकर यह काम करना पड़ेगा, और यह काम मैं आपके साथ करने वाला हूं। यह मैं आपसे कहना था, मैं आपसे यह कहना चाहता था, सबसे जरूरी चीज, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे 50% का बैरियर हो, सबसे जरूरी चीज इसको बचाने का है। अगर यह हाथ से निकल गया, अगर यह खोखला हो गया, अगर यह खत्म हो गया, तो फिर कुछ नहीं रहा। तो सबको सबसे पहले इसकी रक्षा करनी है, संविधान की, बिरसा मुंडा जी की सोच की, आदिवासियों की सोच की, अंबेडकर जी की सोच की, गांधी जी की सोच की, गुरु नानक जो नाम आपको मैंने बताए। और यह मत सोचिए कि यह लड़ाई 70 साल पुरानी है, यह लड़ाई हजारों साल पुरानी है, यह लड़ाई चलती जाएगी और इसको हम जीतने जा रहे हैं। साथियों, हमारे बीच में जो गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, श्री बुद्धराम मुंडा जी, जो कि बिरसा मुंडा परिवार से हैं, उनके ग्रैंडसन हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। फ्रीडम फाइटर जनाब अमानत अली साहब, हमारे बीच में पद्मश्री मुकुंद नायक जी उपस्थित हैं, हमारे बीच में दयामणि बरला जी हैं, हमारे बीच में थियोडोर किडो साहब हैं, डॉक्टर नाबोर लाकड़ा एसजे साहब हैं, आरपी रंजन साहब हैं, जनाब अली अनवर अंसारी साहब जो कि एक्स एमपी भी हैं वो हमारे बीच में हैं, सरिता कुमारी जी हमारे बीच में हैं, छोटेलाल महतो जी हैं, राजेश गुप्ता जी हैं। अब कार्यक्रम के अगले सत्र में राहुल जी द्वारा अगले पटके ले जाओ आप। सबसे पहले मैं चाहूंगा बुद्धराम, श्री बुद्धराम मुंडा जी जो हमारे बीच में मौजूद हैं, उनको ये एक प्रतीक पटका पहना करके उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद
मैं चाहूंगा हमारी टीम को कि हमारे बीच में अमानत अली साहब हैं, जो कि वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने एक समय में गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी और उनके साथ विधायक भी रहे। हमारे बीच में पद्मश्री मुकुंद नायक जी मौजूद हैं। मुकुंद जी, अशोक जी, इसके बाद हमारे बीच में पद्मश्री मुकुंद नायक जी मौजूद हैं, जो कि बहुत बड़े लोकगीत के कलाकार हैं। आप सब जानते हैं इनको, और इनकी ख्याति जो है पूरे वर्ल्ड में है, सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है। इसके बाद हमारे बीच में हमारी बहन, जो बहुत ही संघर्षशील है, जिन पे पता नहीं सैकड़ों कुकृत में लगे संघर्ष की वजह से, दयामणि बरला जी। बहन जी, दयामणि बरला जी। इसके बाद हमारे बीच में उपस्थित हैं थियोडोर कीडो साहब। कीडो साहब को, ये कभी इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर होते थे, लेकिन हमारे महबूब स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इनको नौकरी से हटा करके अपने कांग्रेस ज्वाइन कराई। ये मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे। इसके बाद हमारे बीच में नाबोर लाकड़ा एसजे साहब, जो सेंट जेवियर्स स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, उनका स्वागत। हमारे बीच में आरपी रंजन साहब, शंभू पासवान जी, अशोक जी इधर। हमारे बीच में हमारी बहन सरिता कुमारी हैं, जो कुमार समाज की महिला अध्यक्ष हैं, और बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्होंने एक बहुत बड़े 50,000-1,00,000 लोगों का ग्रुप बनाया, जो 21 रुपए पर मंथ देते हैं अपने समाज के लिए। हमारे बीच में जनाब अली अनवर साहब हैं, जिन्होंने जब नीतीश जी ने एनडीए छोड़ी, मोदी जी का साथ किया, तो इन्होंने नीतीश जी को छोड़ करके ये इस तरफ आ गए थे। हमारे बीच में छोटे लाल मेहता जी, हमारे आरपी रंजन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि हमारी जो आयोजकों की टीम है, जिसमें सुभाषनी यादव, अशोक जी हमारे भारती जी, डॉक्टर गौतम, फ्रैंक हजूर और हमारे अजय, ये सब एक बुके देकर के राहुल जी का स्वागत करें। हमारे बीच में जो ये इवेंट हो रहा है, ये पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन झारखंड, उसके तत्वाधान में हो रहा है। उसके हमारे साथी हैं आलोक कुमार दुबे जी, आलोक कुमार दुबे जी, और उनके साथ लाल किशोर सहदेव जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, सुश्री फलक फातिमा जी, नीरज कुमार जी, मेहुल दुबे जी, एक मोमेंटो देकर के राहुल जी का स्वागत करेंगे। साथियों, समय कम है, और उस कम समय में हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राहुल जी को सुने, तो मैं इस कार्यक्रम को बहुत लंबा नहीं करूँगा, लेकिन एक छोटी सी 1 मिनट की कविता में स्वागत मैं सुभाषनी जी से अनुरोध करूँगा कि वो एक कविता में स्वागत उन राहुल जी के स्वागत में करें। जोहार साथियों, जिन नारों को सुनकर हम लोग बड़े हुए, उसकी मैं कल्पना आज जो करती हूँ वो कुछ इस तरह है। अगर आज स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी होते जीवित, तो उस नारे और उस कविता की क्या कल्पना होती, उसकी एक छोटी सी प्रस्तुति करना चाहूंगी। गांधी ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, तानाशाह और बलशाली। बलशाली की क्या है पहचान, खिटपिट बोले करे ना काम। कमजोर की है क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। बाहर से आए लुटेरे देश लूट के यहां से चले गए, अब देश के अंदर के लुटेरों को भी निपटाना होगा। चंद पूंजीपतियों से काम नहीं चलेगा, उनका नाम नहीं होगा, फिर से देश गुलाम नहीं होगा। राजा का बेटा हो या चपड़ासी की हो संतान, हो अंबानी अडानी,
या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। जाति जनगणना जो ना कर सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, जाति जनगणना जो ना कर सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना सीखो। साथियों, राहुल गांधी ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। मैं चाहूंगी आप लोग ये दोहराइए, राहुल गांधी ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुभाषिनी जी। अब मेरे हाथ में एक ये एनवलप है, और ये एनवलप है जिसमें लगभग 200 सामाजिक संगठन जो दलितों के लिए, मूल निवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीबों के लिए काम करते हैं, उन संगठनों ने इस सम्मेलन के लिए अपना समर्थन दिया है। तो ये सारे समर्थन पत्र मैं आप सबकी तरफ से राहुल जी को देना चाहता हूं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी डिग्नेटरीज मंचासीन हैं वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और एक पिक्चर हाथ पकड़ के सबकी हो जाए। न्याय योद्धा राहुल जी, आपके आने से पहले इस सम्मेलन में विभिन्न श्रेणियों को लेकर के, हमारे दलितों को लेकर के, ओबीसी को लेकर के, हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के और मूल निवासियों को लेकर के एक लंबे पैनल डिस्कशंस हुए। उस पैनल डिस्कशंस का जो सार है, मैं अनुरोध करूंगा कि उस पैनल डिस्कशन के सार के लिए सबसे पहले थियोडोर कीरो साहब आप आए, और वो बहुत ही संक्षिप्त में, आप समझ रहे हैं कि बहुत कम समय यहां आकर के उस पैनल डिस्कशन का सार रखेंगे। समरी। अति सम्मानित न्याय योद्धा माननीय राहुल गांधी जी, और मंच में मंचासीन सभी प्रबुद्ध, मेरे पिता, भाई, बहन, नेतागण, और सामने इस सभागार में सभी सम्मानित प्रबुद्ध नेतागण, सामाजिक कार्यकर्ता मन, प्रिय भाइयों, बहनों और प्रेस के बंधुगण, मैं आदिवासी समाज के प्रबुद्ध वक्ताओं द्वारा जो वो बातें रखी गई हैं उनको मैं एक एक लाइन में सम्मानित राहुल जी के सामने रखना चाहता हूं। नंबर एक, राज्य में पांचवी अनुसूची पेशा कानून के अक्षर से अनुपालन। दूसरा, सरना धर्म कोड की मांग। तीसरा, CNTSPT कानून का सख्ती से अनुपालन। चौथा, झारखंड में केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना। पाँचवा, विस्थापितों और मजदूरों के लिए उपयुक्त नीति की जरूरत। छठा, भूयहर मुंडा उरांव सहित कतिपय जातियों को एसटी लिस्ट में शामिल करने पर विचार आदि विषयों पर चर्चाएं की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अब मैं अनुरोध करूंगा आरपी रंजन साहब से कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट दलित भाइयों की समस्याओं को लेकर के चर्चाएं हुई उनका बहुत ही संक्षिप्त में आप समरी रखें। Thank you.
साथियों, कुछ कहने से पहले परम पूज्य संविधान प्रणेता बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बिरसा मुंडा की पवन धरती पर न्याय योद्धा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रद्धेय राहुल गांधी जी को स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए हमारे समाज के निम्नलिखित विभिन्न मुद्दे आए हैं। झारखंड राज्य में अनुसूचित जातियों का आबादी लगभग 60 लाख है और जनगणना 1911 हुआ था उसमें 11.12 था, लेकिन आज 24 हो गया है, लगभग 16-17% है जिस इनका भागीदारी नहीं मिल रही है। कोई न्याय बोर्ड निगम कहीं भी इनकी कोई भागीदारी नहीं मिल रही है। और दूसरी बात कि झारखंड राज्य में परिशिबन लागू होना था, हमारे आबादी के अनुकूल सीटें बढ़नी चाहिए, वो सीट भी नहीं बढ़ रही है। और हमारे जो रिजर्व सीट हैं जहां पर 5 बार कमला कुमारी जी कांग्रेस के सांसद रही हैं, वो भी सीट आज पलामू में हम लोग देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट के बहुल क्षेत्र था, वहां पर अगर हमारी पार्टी कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती तो एक सांसद और बनता। तो इन सब मुद्दों के लेके हम अनुसूचित जाति के लोग बीच में खड़े हुए हैं कि हम राहुल जी के साथ सब मिलके वोट तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें सीटें नहीं मिलती है। हम मजबूर होके आज हमारे कुछ लोग समाज में जो भागीदारी नहीं मिल रही है उसके चलते दूसरे तरफ चले जाते हैं। दूसरी बात, झारखंड में 60 लाख आबादी है, 50% लैंडलेस है, जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं, सरकारी जमीनों में रहते हैं, उनको कोई विकल्प नहीं है, उनकी डोमिसाइल नहीं बनती है, नौकरी चाकरी में भागीदारी नहीं हो पा रही है। इन तमाम मुद्दों पर गहन चर्चा करने के बाद मैं माननीय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी से, जिन्होंने संसद में नारा दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और उस भागीदारी के हम लोग प्रेरित होकर दूसरे जगह से छोड़कर आज आपके बीच बड़े स्वाभिमान के साथ आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा समाज पूरा आपके साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक हमारी संविधान की रक्षा नहीं होगा, संविधान की रक्षा करने वाले परम आदरणीय केवल राहुल गांधी जी ने सदन में मांग किया और उन्होंने ये भी कहा कि जिसका जितना संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी और जातीय जनगणना बहुत जरूरी। लंबा समय बात नहीं कर सकता, इन्हीं चंद बिंदुओं के साथ मैं अपनी पुनः वाणी पर विराम देते हुए परम आदरणीय श्रद्धे राहुल गांधी जी को हार्दिक दिल से झारखंड के धरती पर अभिनंदन और सहयोग के लिए हम लोग समर्पित हैं। कोटि कोटि उनका धन्यवाद जो हम लोग को अवसर दिया है और एक परिवार बना दिया, एससी एसटी ओबीसी, आज एक मंच पर बैठ के आपके बीच में हम लोग अपनी मुद्दा को रखा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय भीम, जय झारखंड, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, धन्यवाद, जय हिंद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा राजेश गुप्ता जी, जो ओबीसी के मुद्दों को लेकर के बीसियों सालों से पूरे झारखंड में लड़ाई लड़ते रहते हैं, राजेश गुप्ता जी आए और जो ओबीसी मुद्दों को लेकर के हमारा पैनल डिस्कशन हुआ है उसकी एक संक्षिप्त समरी वो राहुल जी के समक्ष रखें। धन्यवाद माननीय डॉक्टर अनिल जी, जय हिंद सर। कुछ भी कहने से पहले देश में सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। आज संविधान सम्मान सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय राहुल गांधी जी को वेलकम करते हुए मंच पर उपस्थित सभी साथियों और आगंतुक सभी को स्वागत है। इस पैनल में हमारे ओबीसी के मुद्दे को लेकर 5 लोग थे, जिसमें पहला पूर्व सांसद माननीय अली अनवर साहब थे, प्रोफेसर डॉक्टर विनय भारत, सरिता प्रजापति और माननीय दीपक महतो जी इस पैनल में थे। और पैनल में जो बातें प्रमुख रूप से मैं भी था, उसमें एक बात आई है कि पूरे देश में एससी एसटी की जितनी आबादी है उतना आरक्षण है और ईडब्ल्यूएस जो अगड़ी जाते हैं उनकी आरक्षण उतना ही है, तो फिर ओबीसी के साथ अन्याय क्यों? जिसकी आबादी 50% है तो 50% आरक्षण मिलना चाहिए। और साथ में
ये प्रमोशन में रिजर्वेशन ओबीसी को चाहिए, क्योंकि केंद्र में 90 में 3 जो सचिव हैं या राज्यों में, कारण यही है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात है, ओबीसी की स्वतंत्र मंत्रालय होनी चाहिए, जिस तरह से एसी एसटी का स्वतंत्र मंत्रालय है, ओबीसी की स्वतंत्र मंत्रालय हो। आपको जानकारी होगी कि इस राज्य में 14% आरक्षण है, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था 27% मिलते थे, अभी 14% है। 7 जिले में ओबीसी का आरक्षण शून्य है, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ईडब्ल्यूएस का सभी जगह 10% है। हमारे देश में जितने भी सरकारी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर 1% भी प्रोफेसर नहीं हैं, और एनएफएस के तहत उनको रोकने का काम केंद्र सरकार बराबर कर रही है। हम मांग करते हैं कि मंडल कमीशन की जो अनुशंसाएं लागू हुई है, जिससे करोड़ों लोगों के ये खुशहाली आई है, घर में मुस्कान हुई है, लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, जिस मात्र 2 ही अनुशंसाएं लागू हुई है, और भी जो 40 अनुशंसाएं हैं उसको लागू करने का काम किया जाए। और अंत में, इस राज्य में प्रतिनिधित्व आबादी 55% है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार। हम लोगों ने आंदोलन किया था, एक देश में एकमात्र राज्य बिहार है, सॉरी झारखंड है, कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 36-50% ओबीसी का आरक्षण देने की जो है अनुशंसा की है, देश में एकमात्र है, लेकिन हमको अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। हमें राजनीतिक भागीदारी भी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी से हमारा समाज ज्यादा जुड़ा होता है। तो हम यही मांगों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान। धन्यवाद राजेश गुप्ता जी। और अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में एक बहुत ही लेखक, चिंतक और सोशलिस्ट फैक्टर मैगजीन के एडिटर फ्रैंक हजूर साहब हैं, जो माइनॉरिटीज को लेकर के पैनल डिस्कशन हुआ उससे बहुत ही संक्षिप्त में फ्रैंक हजूर साहब अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जैन सर। ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, जो मेन एंग्जाइटी, जो मेन चिंता निकल कर आई इस पैनल डिस्कशन में, जिसमें कि रिप्रेजेंटेशन हमने माइनॉरिटीज़ के हर सेगमेंट को दिया, मुसलमान भाई भी थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी रिप्रेजेंटेशन रहा, फादर सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, सरदार ज्योति सिंह माथुरा भी थे, इब्रार अहमद थे, मुख्तार अहमद थे। मेन जो कंसर्न सर आया उनके बीच से वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 सेक्शन 1, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 29, जिसमें कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं कि वो अपने कल्चरल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बहुत ही सुचारू तरीके से चला सकें, उस पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन न हो, जो हमने इंश्योर किया कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फर्स्ट गवर्नमेंट से ही, उसमें उन्हें लग रहा है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फेवरेटिज्म कहीं हो रही है। उसके अलावा उर्दू स्कूलों को झारखंड में बिल्कुल ही क्लोजर का सामना करना पड़ रहा है, जो ऑफ कोर्स आर्टिकल 347 और 350A का वॉयलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। साथ ही साथ हमारे बहुत ही खास एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर सहाफ़ी यहाँ भी हमारे साथ पैनल में थे, जिनका नाम सैयद सहरोज कमर है, जो 40 साल से सहाफत में एक बड़ा नाम है झारखंड की सरजमी पर। उनका कहना है कि मॉब लिंचिंग को लेके खासकर झारखंड में पिछले 8 सालों में मोर देन 1.5 dozen लिंचिंग हुई है मुसलमान भाइयों की, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि ऐसी गारंटी मिले अमेंडमेंट में या लेजिस्लेशन के थ्रू, ताकि इस पर लगाम लग सके। थैंक यू वेरी मच, ये मेन चिंताएं थी। थैंक यू फ्रैंक हजूर साहब। और आप, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे बीच में झारखंड की शान पद्मश्री मुकुंद नायक जी मौजूद हैं, तो वो हमारे बीच में मौजूद हों और अब उनको ना सुने ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि 5 या 10 मिनट के लिए कृपया आए और हमें अपने लोकगीतों से परिचय कराएं। आयोजित सभा कर मुख्य अतिथि हमरे कर न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के हम अपन बट से, झारखंड कर कलाकार मन बट से हार्दिक अभिनंदन करती, स्वागत करती।
तो कुछ बात कहने से पहले मैं जो बात को शुरू किया था कि हमारा भारत देश कैसा था, हमारा गांव घर कैसा था, पहले कर गांव रहे कितना सुंदर कितना सुंदर, हंसी खुशी करत रहे जीवन बसर रहे कितना सुंदर, हमारा गांव घर हमारे लोग कितने खुशहाल थे। और इसी खुशहाली को देख करके अंग्रेजों का मन ललचाया और क्या किया उन्होंने, भारत देखी खुशहाल, भारत देखी खुशहाल, अंग्रेज मन ललचाल आए के घुसियाल रे, कारबार कही कारबार कही सगरे पाव पसारे रे, अंग्रेज यहां आए कारबार कही सगरे पाव पसारे रे, कर ले ले देसे आपन अधिकारे। और क्या हुआ, हमारा देश हमारा आप हमारे पूर्वज गुलाम बन गए, लेकिन हमारे पूर्वज चुपचाप नहीं रहे। और राहुल गांधी जी का परिवार भी उस आजादी संग्राम का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। उस बात को हम याद कब करते हैं कि हम गुलाम कैसे हो गए, कैसे हम आजाद हुए, इसका दो पंक्ति कह देना चाहता हूं। जब आजादी दिवस आता है साल में एक बार, और आजादी की कहानी कहकर चला जाता है, आजादी दिवस आए कहानी कही सुनाए, आजादी दिवस आए कहानी कही सुनाए, गुलामी से मुक्ति ले बिगुला बजाए, दिन सुबह चली आए तिरंगा आकाशे देखो लहराए, तिरंगा आकाशे देखो लहराए। वो तिरंगा क्या ऐसे मिला है, नहीं, कितने युवा युवती बच्चे बुजुर्ग अपने जिंदगी को आहुति दे दी तब ये आजादी मिला है, ये तिरंगा मिला है। और आजाद भारत को चलाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में कई प्रबुद्ध जन संविधान को बनाया, भारत के देश को खुशहाल करने के लिए, यहां की आम जनता को सही रूप से जीवन निर्वाह के लिए संविधान बना करके लागू किया गया। लेकिन अफसोस लग रहा है कि आज आजादी के 77 साल बाद संविधान सम्मान सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, लगता है ये बहुत चिंता की बात है। चलिए मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, मैं एक कलाकार हूं, संविधान में प्रोविजन है कि किसी भी क्षेत्र के बोली भाखा गीत संगीत अखड़ा धुमकारियों को बचाना है बढ़ाना है, लेकिन आज विकास के आंधी में ग्लोबलाइजेशन के क्रम में क्या हो रहा है, नो डाउट हम भारत को विकसित बनाने के मुहिम में हैं, विकसित बनना चाहिए, लेकिन जब तक एक एक तत्व मानव का संरक्षित नहीं होगा, एक एक व्यक्ति जब तक खुशहाल नहीं होगा, तो उस विकसित भारत का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि संविधान को हम सब मिलकर बचाएं। दो कड़ी उसका मैं गीत के माध्यम से कहना चाहता हूं। राहुल साहब,
कहा थी जे बात सके सुनू तरी ध्यान से, कहा थी जे बात सके सुनू तरी ध्यान से, भारतीय संविधान के मिल के बचाए दे मिल के बढ़ाए दे, भारतीय संविधान के मिल के बचाए दे मिल के बढ़ाए दे, वट एवर आई एम सेइंग दीज आर नॉट ओनली माई वर्ड्स, दीज आर माई पेन विच आई एम किकिंग इन फ्रंट ऑफ अस यू, वट आई एम सेइंग प्लीज लिसन केयरफुली एंड प्लीज शेव प्रोटेक्ट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड प्लीज प्रोमोट टेक अहेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कहा थी जे बात सके, कहा थी जे बात सके, कहा थी जे बात सके सुनू तनी ध्यान से, सुनू तनी ध्यान से. ओ झारखंड ठीक है. कहा थी जे बात सके सुनू तनी ध्यान से, सुनू तनी ध्यान से, भारतीय संविधान के मिल के बचाए दे मिल के बढ़ाए दे, भारतीय संविधान के मिल के बचाए दे मिल के बढ़ाए दे. क्या अकेले संविधान बचेगा? नहीं. आदिवासी मूल भाषी सकल भारतवासी एकता बनाए ले, एकता बनाए ले, एकता बनाए ले, भारतीय संविधान के मिल के बचाए दे मिल के बढ़ाए दे, भारतीय संविधान के मिल के बचाए दे मिल के बढ़ाए दे. और आखिरी बंद में मैं क्या कहना चाहता, प्रकृति संस्कृति, प्रकृति संस्कृति अपन बोली भाखा, साथ में अपन बोली भाखा अखड़ा बचाए दे मिल के बचाए दे, भारतीय संविधान के मिल के बचाए दे मिल के बढ़ाए दे मिल के बढ़ाए दे. जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय संविधान. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद पद्मश्री मुकुंद नायक जी, आपने बहुत ही सुंदर स्वर में दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति की और संविधान की रक्षा की बात की. साथियों, जब से दुनिया बनी है सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई जंग जारी है. हमारे देश में गुलामी का दौर चल रहा था और कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, और उस लड़ाई में जो लड़ने वाले लोग थे वो सत्य की ताकत को प्रतिनिधि उसको रिप्रेजेंट करते थे. कांग्रेस पार्टी ने 31 मार्च 1931 को कराची में एक अधिवेशन किया और उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया कि जब भी ये देश आज़ाद होगा इस देश में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भाषा को बोलते हों, किसी भी क्षेत्र के हों, सबको बराबर का फंडामेंटल सिविल राइट्स मिलेंगे, बराबर का अधिकार मिलेगा, लोकतंत्र कायम होगा और सबको वोट का अधिकार मिलेगा और सब लोग
हजारों साल के इतिहास में पहली बार ये तय करेंगे कि हमारे देश में हुक्मरान कौन बनेगा। साथियों, देश आजाद होता है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद सब मिलकर के बैठते हैं और वो सोचते हैं कि संविधान जो हमने 1931 में प्रस्ताव पारित किया था, अगर वैसा संविधान बनाना है तो किस व्यक्ति को चुने, और सब फैसला करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो इस काम के लिए सबसे काबिल और सबसे उचित व्यक्ति रहेंगे। और साथियों, एक बात मैं आपको ध्यान दिला देना चाहता हूं, उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अलग पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये जानते हुए भी कि वो दूसरी पार्टी है, उनकी देश हित में उनकी काबिलियत को देखते हुए उनको संविधान बनाने का जिम्मा दिया, और ये एक बराबरी का, समानता वाला, एक इक्वलिटी का संविधान बना। और अगर आप और हम अपनी पिछली 3-4 पीढ़ियों में देखेंगे तो इस संविधान की वजह से हमने पीढ़ी दर पीढ़ी तरक्की की है। लेकिन आज वो ताकतें जो असत्य की ताकतें हैं, जो चाहती हैं इस मुल्क में विषमता हो, जो इस मुल्क की जो धन और दौलत है, जो इसकी समृद्धि है, जो मान सम्मान है, वो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आ जाए और वो सबको ना मिले, वो ताकतें आज फांसीवादी ताकतें इस संविधान पे लगातार अटैक कर रही है। और उनके मंसूबे थे पिछले चुनाव में कि अगर 400 सीटें आ जाएंगी तो हम इस संविधान को बदल देंगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं इस देश के दलितों को, पिछड़ों को और मूल निवासियों को, हमारे अकलियत के भाइयों को और हमारे लोकतंत्र में विश्वास करने वाले सभी भारतीय नागरिकों को कि उनके मंसूबों पे आप सबने पानी फेरा, लेकिन जंग अभी जारी है। और आज किसी समय हमारे बीच में बिरसा मुंडा जी के परिवार के बैठे हुए हैं, उनके ग्रैंडसन जी बुद्धराम मुंडा जी, कभी अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, वंचना के खिलाफ बिरसा मुंडा जी ने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज अगर कोई शख्स लड़ाई लड़ रहा है न्याय के लिए, शोषण और वंचना के खिलाफ, आप दुनिया के, देश के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर आप नाम पूछेंगे तो क्या नाम निकल के आएगा, वो आप बोलेंगे, जी राहुल गांधी।